सरेनी पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने चोरी करने वाले चार अभियुक्तों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अंतर्गत थाना सरेनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर स्थानीय थाने पर संबंधित धाराओं में पंजीकृत चार सातर अंतर जनपदीय अभियुक्त अमित प्रताप सिंह पुत्र देशराज निवासी कुरारी कला थाना माखी जनपद उन्नाव, राजेश पुत्र रघुराज निवासी पहेली खेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद उन्नाव, सुधांशु पुत्र रामचरण निवासी मैनाहा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव, दीपक पुत्र अमरनाथ निवासी नवाब खेड़ा थाना माखी जनपद उन्नाव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए चारों अभियुक्तों के पास से 6 इंडस कंपनी की बैटरी, 56,000 रुपए नगद व एक लोडर वाहन बरामद किए गए। वहीं घटना का खुलासा करते हुए रायबरेली पुलिस अधीक्षक स्वप्निल पमगई ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों ने सरेनी में दो चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया और कहा कि मेरा अंदेशा है कि इन अभियुक्तों ने अन्य जनपदों में भी घटनाओं को अंजाम दिया होगा और समय समय पर इनकी रिमांड लेकर अन्य जनपदों द्वारा भी पूछताछ की जाएगी। वर्तमान में इनके पास से 6 बैटरी, 56,000 रुपए नगद व एक लोडर बरामद हुआ है और इन चार आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। रायबरेली से संवाददाता ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट। बैटरी चोरी का जी देखिए, जो ये मोबाइल टावर्स में बैटरी चोरी के प्रकरण होते हैं, ये समय समय पर रिपोर्ट होते हैं और विशेष रूप से जो हमारा लालगंज सरेनी उन्नाव और फतेहपुर बॉर्डर का क्षेत्र है, वहाँ पर ये लगातार कुछ घटनाएं हुई थी। हमने इस संबंध में उन्नाव और फतेहपुर जनपद से भी बात की। ऐसे में हमारी निशानदेही पे एक गिरोह चढ़ा, जो ये चार व्यक्तियों का गिरोह है जिन्होंने थाना सरेनी क्षेत्र में दो घटनाएं की हैं बैटरी चोरी की। ये ज़्यादातर अभियुक्त जो हैं ये माखी थाना क्षेत्र उन्नाव के हैं। ऐसे में हमारा अंदेशा है कि अन्य जनपदों में भी इनके द्वारा घटना की गई होगी और समय समय पर इनकी रिमांड लेकर अन्य जनपदों द्वारा भी पूछताछ की जाएगी। वर्तमान में इनके पास से 6 बैटरी, 56,000 रुपए और एक लोडर, जो छोटा हाथी की तरह गाड़ी ये प्रयोग करते थे, वो बरामद हुआ है और इन चार आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है।